हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फिदा पिटबुल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यदि पिटबुल डॉग की जर्मन शेफर्ड डॉग के साथ फाइट हो जाए तो कौन सा डॉग विन करेगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए मैंने कुछ टॉपिक को बेस बनाया है जिनको ध्यान में रखकर ये वीडियो शूट की गई है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेट। फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड डॉग का वेट 30 kg से 38 kg के आसपास होता है, जबकि पिटबुल डॉग का वेट 25 kg से 40 kg के आसपास रहता है। तो इस पॉइंट में तो लगभग दोनों ही डॉग इक्वल ही हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस वेट का दोनों में से नहीं है। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है हाइट। जर्मन शेफर्ड डॉग की हाइट 60 cm से 66 cm तक है, जबकि पिटबुल डॉग की हाइट 45 cm से 52 cm तक है। तो इस पॉइंट में जर्मन शेफर्ड डॉग पिटबुल डॉग से आगे निकल गया। बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है अग्रेसिव लेवल। जर्मन शेफर्ड डॉग का अग्रेसिव लेवल हाई रहता है और पिटबुल डॉग का भी जर्मन अग्रेसिव लेवल हाई ही है। तो इस पॉइंट में तो दोनों डॉग ही इक्वल रहे। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है बिहेव, यानी कि एक डॉग दूसरे डॉग को देखकर कैसा रिएक्ट करता है। जर्मन शेफर्ड डॉग भी अपने सामने डॉग देखकर अग्रेसिव हो जाता है, पिटबुल डॉग भी अपने सामने अदर डॉग को देखकर अग्रेसिव हो जाता है। तो इस पॉइंट में भी दोनों डॉग इक्वल रहे। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है बाइट फोर्स। तो जर्मन शेफर्ड डॉग का बाइट फोर्स है 238 pounds, जबकि पिटबुल डॉग का बाइट फोर्स है 235 pounds, यानी कि लगभग 3 pounds का डिफरेंस। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लगभग लगभग दोनों ही का बाइट फोर्स इक्वल ही है। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक। जर्मन शेफर्ड डॉग के पास इतनी ज़्यादा टेक्निक ही है, उसके पास सिर्फ मीडियम टेक्निक है, जबकि पिटबुल डॉग की टेक्निक हाई लेवल की है। वो सामने वाले डॉग की गर्दन पर अटैक करता है, जिससे दूसरा डॉग उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसका फेस गर्दन के कारण नीचे दब जाता है। तो इस पॉइंट के कारण पिटबुल डॉग के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करें विनर की, तो फ्रेंड्स ओवरऑल विनर लगभग लगभग पिटबुल डॉग ही है, लेकिन जर्मन शेफर्ड डॉग भी पीछे नहीं है। तो बात करें रेशो की, तो फ्रेंड्स जर्मन शेफर्ड और पिटबुल का रेशो है फ्रेंड्स 60%। पिटबुल डॉग फाइट विन करेगा और जर्मन शेफर्ड डॉग 40% फाइट विन करेगा। अगर आपको वीडियो में कुछ जानकारी मिली या फिर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं कभी डॉग फाइट को प्रमोट नहीं करता, यह वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो वीडियो को इन्जॉय करें।